आपका नाम बताओ। मेरा नाम सतीश कुमार सोनकर है। रहने वाले कहाँ? क्या? मैं बनारस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना कर दिया था? हाँ, ले जाओ घर पे, सेवा पानी करो। और घर में उनकी 5 फरवरी के बेटे की शादी भी थी। 5 फरवरी की शादी थी और उससे मेरे पास पहले, आए थे। हाँ, 3 दिन पहले सर हम आपके यहाँ आए थे। 3 दिन पहले आए थे। 6 कीमो लग चुका था इनके पेशेंट को जी, और सर्विक्स कार्सिनोमा बताया था। और डॉक्टर जब जवाब देता तो आपको पता है कि कुछ नहीं बचता शरीर में। आपके पेशेंट की क्या 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 दिक्कत थी जब मेरे पास आए थे? जब सर पेशेंट को तो पहले सांस लेने में बहुत परेशानी थी, 80-85, और बहुत तेजी से सांस लेके थे, ऑक्सीजन पे चल रहा था। पेशेंट ऑक्सीजन पे था जब मेरे पास ये दवाई लेने आए थे? ऑक्सीजन पे था, ठीक है। उसके पास दोनों पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, दोनों पैरों में स्वेलिंग थी, चेहरे पर भी सूजन था। हाँ, पूरे शरीर में, मतलब पूरे शरीर में सूजन, बुखार भी कंटिन्यू आता था। और दर्द की दवा दिन 2 घंटे में 2 गोली लिया जाता, हर 2 घंटे में 2 पेनकिलर लेते थे, 2 गोलियां, ठीक है। और ब्लड भी चढ़वाया था? ब्लड भी 2 यूनिट 3 यूनिट ब्लड चढ़वाए थे हम लोग। मतलब कंडीशन ऐसी थी। सही पूछो तो क्या नाम आपके सांस का? राधा देवी। ठीक, उम्र उनकी 53 जी सर। आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना कर दिया था? हाँ, ले जाओ घर पे, सेवा पानी करो। और घर में उनकी 5 फरवरी के बेटे की शादी भी थी। 5 फरवरी की शादी थी और मेरे पास आए थे, 3 दिन पहले आए थे। 6 कीमो लग चुका था इनके पेशेंट को जी, और सर्विक्स कार्सिनोमा बताया था। और डॉक्टर जब जवाब देता तो आपको पता है कि कुछ नहीं बचता शरीर में। आपके पेशेंट की क्या 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 दिक्कत थी जब मेरे पास आए थे? जब सर पेशेंट को तो पहले सांस लेने में बहुत परेशानी, और बहुत तेजी से सांस लेके थे, ऑक्सीजन पे चल रहा था। पेशेंट ऑक्सीजन पे था जब मेरे पास ये दवाई लेने आए थे? ऑक्सीजन पे था, ठीक है। उसके पास दोनों पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, दोनों पैरों में स्वेलिंग थी, चेहरे पर भी सूजन था। हाँ, पूरे शरीर में, मतलब पूरे शरीर में सूजन, बुखार भी कंटिन्यू आता था। और दर्द की दवा 2 घंटे में 2 गोली लिया जाता था, हर 2 घंटे में 2 पेनकिलर लेते थे, 2 गोलियां, ठीक है। और ब्लड भी चढ़वाया था? ब्लड 3 यूनिट ब्लड चढ़वाए थे हम लोग। मतलब कंडीशन ऐसी थी। सही पूछो तो हमने तो आज इस वीडियो को ये बात बोल सकते, कई वीडियो में बोला मैंने कि मुर्दे में जान जी सर। ये बोले कि घर में शादी थी और ये सोचे कि कम से कम घर में शादी हो जाए, इतना दिन तो जिंदा रहे। ये लोग सोच रहे कि शादी में कुछ न हो, शादी के बाद तो फिर देखा जाए। ऐसी कंडीशन में पेशेंट था, ठीक है जी। उस पे ये दवाई लेने आए थे अपने सास के, शादी का प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, ये दवाई लेके गए थे। दवाई ले जाने के कितने दिन के बाद पेशेंट को क्या क्या आराम मिलने लगा? सर 4-5 दिन बाद तो पहले ऑक्सीजन की समस्या खत्म हो गई, जो ऑक्सीजन हटा दिया गया, पूरा भरपूर 94-95-96 ऑक्सीजन उनको मिलना शुरू हो गया। 4 दिन में वो सिलेंडर हट गया इनका, ठीक है, 94-95। अच्छा जी। और सर उसके बाद जो सोलिंग धीरे 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 कम होने लगा, एक हफ्ता 10-12 दिन सब हाथ पाओ का। अच्छा। अब इस समय और दर्द जो गोली दिन 24 घंटे में 1-2 बार दर्द की गोली 24 घंटे में जो हर 2 घंटे में लेते थे, 2-3 दिन से अब लगता है कि पेशेंट वो जो कह रहे थे कि मरने वाला है, अब आप नहीं सर, अभी 60% तो उम्मीद जाग गई। तो सही पूछो तो आपके पेशेंट तो उस समय बेड पे ही होगा जब ऑक्सीजन चल रहा था, कंडीशन तो बिल्कुल लेटा था। पर अभी अभी पेशेंट अपना बैठता है, अपने से चल जाता है, बाथरूम वाथरूम कर लेते हैं, अभी बाथरूम वाथरूम अपने आप चले जाते हैं। अभी सही पूछो तो उसको कोई सहारे की जरूरत नहीं नहीं है। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे रहते हैं कि भाई शरीर में कमजोरी है। ब्लीडिंग सर, ब्लीडिंग तो पूरा सही हो गया, पहले जैसे कट कट के थका थका गाढ़ा गाढ़ा काला काला गिरता था, वो अब सही हो गया, एकदम ठीक हो गया। हाँ सर, जो वो थोड़ा बहुत है सर, हाँ। वो मान के चलिए जैसे वो चलता है। ब्लीडिंग क्या कंटिन्यू होता था रोज? हाँ, पहले तो कंटिन्यू, आप तो 15-15 महीने महीने तक ऐसा होता है। आपको कितने दिन हो गए सर अपने ट्रीटमेंट चलते हुए? 40 दिन तो दवा हमारा हो गया, 40 दिन। 40 दिन हो गया जी। आज जो भी वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों को, इस को लेकर जो बातें रखी गई है, अब इतनी वीडियो बनने के बाद ऐसा लगने लगा है कि वाकई में ये नाम की बीमारी रखी जा रही है। और अगर हमारे आयुर्वेद से अगर पेशेंट की रिकवरी 4th दिन मिलती है, और जो बीमारी को लेकर खर्चे किए जाते हैं, जो अमाउंट्स बताए जाते हैं, मेरे पास आए कई लोग मोटे अमाउंट देकर, ठीक है, तो या तो डॉक्टर मना करे, या पैसे खत्म हो जाए, या शरीर में जान नहीं हो, तब पेशेंट आता है जी सर। आपने पैसे कितने लगा दिए थे पेशेंट पर? पैसे सर 2-2.5 लाख रुपए लग गए थे। 2.5 लाख रुपए लग गया था, और 2.5 लाख लग के क्या मिला आपको? कि भाई अब ले जाओ सेवा पानी घर पे करो। और यहाँ पर जब दवाई लेके जाते हैं लोग 20 दिन के बाद, उसकी हम वीडियो बनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें 20 दिन के बाद, बताओ। वहां पर 2.5 लाख देकर इनकी रिकवरी मिल गई, मना कर दिया,
यहाँ पर जब आप दवाई लेने आए तो 20 दिन के अंदर हमने पेशेंट की रिकवरी बता दी, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं है। मैंने सिर्फ वीडियो 20 दिन की इसलिए बनाता हूँ मैं, ताकि लोगों को आयुर्वेद के ऊपर से विश्वास उठ गया था, कहते थे लंबा चलेगा, और आयुर्वेद थोड़ी के लिए, ये तो छोटी मोटी बीमारियां, पेट का दर्द, सिर का दर्द, ऐसे गैस बन गया तो आप लोग आयुर्वेद इसके लिए, इस बीमारी के लिए कोई आयुर्वेद में क्यों जाए भाई। और फिर भी अगर कोई बंदा सीधा आ जाता है तो उसके परिवार वाले, उसके होता है ना कि घर के अंदर जो बुद्धिजीवी बोलते हैं जिनको, वो लोग बोलेंगे कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो तुम, इनके चक्कर में वीडियो बनती ऐसी बनती है। तो हमने वीडियो इतनी बनाई है, इतने पेशेंट हैं, इतने चेहरे हैं, और इतनी इतनी जगह से लोग आए, कौन कौन बंदा यहाँ पर आएगा जी झूठ बोलने के लिए। जी सर, और 20 दिन तो हम लोग पहले जो नियम था वो फॉलो नहीं हो पाया, शुरू में शादी का प्रोग्राम था घर में, तो कुछ सारे दिनचर्या वगैरह नहीं पाया, तब भी इनको आराम मिल गया था। ठीक है, अगर प्रॉपर नियम करते तो शायद रिकवरी हो जाती, जो थोड़ी बहुत जो समस्या बता रहे हैं। तो आज इस विज्ञान को मैंने इसलिए वीडियो बना के डाला ताकि मैं आयुर्वेद को बचा सकूं, आयुर्वेद के ऊपर एक बड़ा सा ग्रहण लग गया। तो आज इस वजह से भी वीडियो बनाना पड़ रहा है कि अगर आयुर्वेद में आ रहे हैं आप, और अगर आपका पेशेंट की डेथ भी हो रही है तो कम से कम आपको कोई प्रताड़ित ना करे। अरे डेथ तो उधर भी हो रही है ना, क्या उधर तुम्हें पूरा जीवन मिल रहा है क्या? यहां पर अगर पेशेंट नहीं बचता है तो सबको बड़ी समस्या में आ जाते हैं और हम बहुत बड़े गुनाहगार बन जाते हैं। अगर यहां पेशेंट अगर हो गया, डेथ हो गया, आप देखो ना आयुर्वेद में आता कौन है, कौन आएगा बताओ मुझे, थके परेशान होके पूरी तरह से। और हमने इस वीडियो को बनाकर लोगों को कम से कम एक आस जगाई। ठीक है, वीडियो तो देख के वो हमारा साला वीडियो 2-3 रात देखा, फिर वो उन्होंने भेजा कि नहीं आप जाओ, शादी छोड़ो आप जाओ। देखो बात वो है कि वीडियो नहीं होता आज तो आज यहाँ नहीं पहुँचते, मालूम ही नहीं पड़ता तो हम यहाँ कैसे आते, दिल्ली तो पहली बार हम आए 29-30 साल मीडिया माध्यम है। लेकिन मीडिया के अंदर भी कई लोगों ने इसको बताया कि माने कैसे सच है, क्योंकि इतनी झूठ परोसे जा रहे हैं, इतनी झूठ डाली जाती है कि भाई अब लाखों की संख्या में झूठ है, उसमें 1% लोग कैसे अपने आप को विश्वास कर लें आप पर। तो मैंने क्या किया कि जितने भी पेशेंट की बातें हैं, सबका चेहरा, सबका एड्रेस, सबका प्रॉपर, आप खुद काम क्या करते हो, अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो। सर मैं LIC एजेंट। फिर लोग जानते होंगे फिर? जी सर, 500 LIC है मेरे। 600 LIC कर रखी, तो आपका तो सारे एजेंट जानते होंगे, आपकी वीडियो जाएगी तो लोगों को पता तो चलेगा झूठ कितने बोलते हो। नहीं, वीडियो इसीलिए तो बनवाए सर, कम से कम हमारे एरिया में जाए, यूपी बिहार वाले तो कम से कम लोग भाग के आए, पता तो चले कि हम सच क्या झूठ है क्या। अब नजदीक बनारस हो गया हॉस्पिटल तो लोग वही फंस जा रहे, तो उससे फंसने से बढ़िया कि पहले यहाँ चल के चले आओ। ठीक, तो जो भी हमने वीडियो बनाई है उसमें एक सच रख दिया है ताकि अब आयुर्वेद पर किसी को भी शंका ना लगे। हम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं जिस बीमारी से ग्रसित था, मुझे डॉक्टर ने मना किया था, उसके बाद मुझे सिर्फ राजीव दीक्षित जी की CD मिली थी जिसकी मृत्यु 2010 में हो चुकी थी, और 2014 में मुझे उसकी वीडियो मिली थी, और 4 साल के बाद उनकी वीडियो देखकर उनके द्वारा बताई गई बातों से जो मैंने ग्रहण किया, आज आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। उसके बाद आयुर्वेद को पढ़ने गया, उसके बाद सारी सच्चाई पता चली। आज कैंसर जो बताया जा रहा है कि ये तो कभी ठीक नहीं होता, हमने इतनी वीडियो डाली कि आप लोगों को एक बार तो यहाँ आना ही पड़ेगा मजबूर होके, क्योंकि मैं ऑनलाइन दवाई देता नहीं। जी सर, ये बातें मैंने वीडियो में डाली भी है, ऑनलाइन यहाँ पर आओ सच्चाई पता चल जाएगी, एक ही मकसद रह गया। गाय अगर बची रहेगी से बच जाओगे। और सर गाय तो बचने का कारण हमारे यहाँ UPG में ये होगी, जो न कटने नहीं तब तक तो सारी देसी गाय तो खत्म हो गई होगी, अभी नस्ल आ गई है जर्सी ये सब साहिवाल वो सब, समझ रहे हैं। देसी गाय तो एरिया से, क्योंकि दूध बहुत कम देती है, लोगों को दूध ज्यादा चाहिए। ये सही कह रहे हैं, गाय को क्यों लेने जाते हो आप दूध के लिए, और देसी तो दूध कम देती है। अब आप दूध के लिए गाय खरीदोगे? सर हमारे यहाँ परमानेंट है। किससे लग गया, दूध के लिए रखते हो? हाँ जी, दूध के ही लिए। अगर दूध ना दे तो? अरे सर उसके बाद भी तो हम लोग रखते हैं कि उसको थोड़े ही फेंक देते हैं। नहीं, फिर भी किस लिए अगर पूछा जाए तो? आप तो रखेंगे अपने रोग के लिए, अब दूध के लिए नहीं, अब क्योंकि अब जो है ना आपको, अगर मेरे पास आए तो मैंने बोला था कि अगर नहीं है तो मैं दवाई नहीं दूंगा, तो मैंने इसलिए रखा, आपको सच्चाई रखूंगा आपके सामने, ताकि आने वाले समय में आप लोग भी फिर ये बात कहोगे कि ये वीडियो सच थी। लेकिन हमने देखा 40 दिनों में क्या रिस्पांस है, ये खुद की है, आप कोई सुने ना सुने, आपके जो बता रहे कितने 500 लोग? हाँ जी सर, 500 से ऊपर ही होंगे। 500 लोग तो आपकी बात सुनेंगे क्योंकि उनका विश्वास आपके साथ जुड़ा है। जुड़ा है, तभी तो 15,000-20,000 रुपए हमको देते हैं सर जमा करने के लिए। जमा करने के लिए तो आप दो, इस जमाने में 10 रुपया कोई देता है तो बहुत ठोक ठका के देता है कि पैसा ये मेरा बंदा कहाँ लगाएगा। ठीक है, तो 500 लोग तो आपकी बात सुनेंगे।
बाकी को नहीं पता, इतना ही काफी है, आपकी सच्चाई आप लोगों तक जाएगी तो कम से कम लोग लूटने से बचेंगे। जी मानते हो ना, एक आयुर्वेद पर विश्वास भी करेंगे। जी जी ठीक है सर जी।